साथ जीने और मरने की कस्में खाई थी। सूरज हो मैं तुम मेरे सूरज हो नहीं सकते हो। मेरा सूरज एक अच्छा था, मेरा सूरज एक भोला भाला इंसान था, और तुम कहते हो कि मैं वही सूरज हूं। अरे मुझे तो तुम हैवान नजर आ, हैवान। तुम मेरे सूरज हो नहीं सकते हो। तो सच कहती है सुमन कि आज तेरा सूरज एक हैवान हो गया है, लेकिन मैं अपनी मर्जी से हैवान नहीं बना हूं, बल्कि बना दिया गया है तेरे सूरज को हैवान, क्योंकि मैंने इस दुनिया में देखा है सुमन कि जो चीज मांगने से हासिल ना हो ना, तो सबसे पहले उसे छीनना सीखो। छीनने से सब कुछ हासिल हो जाता है, और वही रास्ता अख्तियार किया है मैंने। सुमन मैं तुझे नहीं रोकूंगा। अरे तू भले ही मुझे भूल सकती है, लेकिन मेरे सीने में जो तूने ये प्यार का दीपक जलाया था वो मरते तब तक चलता रहेगा। मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता हूं। सारे सिक्के गिले भुना के कहो, सारे सिक्के गिले जो भी कहना मैं मुस्कुरा के कहो, जो भी कहना मैं मुस्कुरा के कहो, दिल न तोड़े ये कसम के कहो, दिल न तोड़ो ये कसम। आज मैं जो कुछ तुमसे पूछूंगा क्या मेरे सवालों का सही जवाब दोगे तुम? क्या पूछना चाहते हो? मैं जरूर बताऊंगी। अए मेरी प्यारी सुमन, अए मेरी प्यारी सुमन, ऐसे यहां पर
रही हो उसे भला मैं अपने हाथों से कैसे मिटा दूं। रह गई बात उस साले कुंवर सिंह की, तो मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगा आज के बाद और अपनी तरह एक शेर बनाऊंगा ताकि खुद अपने हाथों से उस साले कुंवर सिंह को मिटा सकोगी तुम। चलो सुमन तुम हमारे साथ, क्योंकि हमारी दुनिया तो सिर्फ चंबल ही है। हाँ हाँ, अब तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि मेरे माँ बाप मेरी बहन को उन जमींदारों ने खत्म कर दिया है। अब ये सूरज तुम्हारे प्यार के सहारे जिंदा रहेगा इस दुनिया में। आओ करीब आओ, मेरा दिल किया था वो मेरी जिंदगी मुझे मिल गई है। इसका मतलब कोई लड़की? जी हाँ। लेकिन वो लड़की है कहाँ? लेकर आया हूँ, यहाँ लेकर आओ। ठीक है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है सुमन। सुमन, किसने सताया तुम्हें? ठाकुर कुंवर सिंह ने। ये सालों का नाम सुनते सुनते मेरा भेजा पक गया है उल्लू के पट्टों का। सूरज बाबा, ये सुमन आज से तुम्हारे ही साथ रहेगी इस चंबल में, इसीलिए तो साथ लेकर आया हूँ। हिम्मत वाली लड़की है। आज से तुम्हारा नाम हमारे चंबल में होगा डाकू सुमन। डाकू सुमन, डाकू सुमन। देखा सुमन, ये थे हमारे सरदार और हमारे साथी जो हमारे एक इशारे पर किसी की जान ले सकते हैं और मेरे एक इशारे पर अपनी जान दे भी सकते हैं। हाँ सूरज। चलो सुमन, आज के बाद हम एक नई दुनिया शुरू करेंगे और साले कुंवर सिंह को इस दुनिया से मिटा कर राख कर देंगे। एक बात कहें सुमन, तुम हमारी जिंदगी में आई तो ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी फिर से उसी तरह से आबाद हो जाएगी।
हम तुम्हारी जिंदगी में उफियार भरेंगे कि तुम अपने जिंदगी के सारे गम भूल जाओगी। इशारो में दिल लेने वाले बताए हुनर तूने सीखा कहां से। इशारो इशारो में दिल तुम्हारे बाप लगते हैं। तुम्हारे बाप तो बहुत पहले मर गए, तुम कहां से जिंदा हो गए? शक्ति सिंह, इस साले का पोजीशन डाउन करो सबसे पहले। तुम कौन हो महाराज? साधु महात्मा कहां से आए हैं?
ये कहूं खोई हैं? कहूं के इनके कूटी हुई कूटी? हाँ, ये कहा नहीं कहां कहां कूटी हुई इनके? इसका पोजीशन डाउन करो। अरे तुम कौन हो? हम तुम्हारे बाप हैं। क्या नाम है? डाकू जगराम सिंह। अरे जगराम बाबा, कुर्ता दे दियो, कुर्ते ते यहाँ परेशान है। कुर्ता दे दियो, धोती दे दियो, दियो दियो। ये सब भाग फकीर कहाँ से आ गए? तुम दुनियादारी न करो, इनका दे दियो। जब तक कही हो तब मानो। तो आज मैं मारा जा रहा तो तुम लोग हंस रहे हो, बैठे बैठे खड़े खड़े मरवा रहे हो। मरवा लो, मरवा लो, मरवाने में बहुत मजा आता है, लेकिन याद रखना, अगर मैं कहीं बच गया तो पूरे गांव में आग लगवा। अब तू बताओ कि मेरे बापों को क्यों मारा था तूने? अरे उसने जब मेरा पैसा नहीं दिया था, मैंने मार दिया। कितना रुपया था तेरा? 5,000 रुपये था। 5,000? और 5,000 के बदले में तूने मेरे बाप को मार डाला? मेरे सबको तो हरामिया ने किया है। अरे साले, तेरी हरामिया किए। कहाँ है वो साला तेरा हरामिया? बुला उस साले को। हरामिया रे, यहाँ यहाँ यहाँ। इधर आ, इधर आ, इधर आ। घोड़ा गधा कितना दुंदुआ, तुमका अच्छा नहीं लगा? अरे यहाँ तो आओ। हरामिया, तेरे मौसिया आए हैं। उधर मुलाकात कर ले, मुलाकात कर ले। हमारे कोहैये बैठे, ये हमारे कोहैये है तो हमारे मौसिया ही है, यही मौसिया हुई है। जय राम झाटू भैया। साले मैं तुझे झाटू नजर आ रहा हूं। मैं तुझे झाटू नजर आ रहा हूं। जरा बड़े जोर मार दिए से, आंखी गली चौंधा लौका है। अरे मेरे बाप, अब ठीक है? बाप नहीं, मैं तेरा भाड़ोई हूँ साले। देखो सर, कहानी भूसा चला जाते हैं। क्या कहा तू? नहीं नहीं, अच्छा तो हमारे जीजा हो हैं। जीजा हो? एक बात बता। नहीं, हमारे जीजा हो साले। रिश्ता तू इस जमींदार से लगा? नहीं नहीं, हम किसी से रिश्ता नहीं लगाते हैं। बता, मेरे बापू को किसने मारा है? भाई बांदर चोद मारी से। इसने कबूल किया है? लेकिन तू बता साले हरामी की औलाद, कि मेरे बापू से अंगूठे का निशान किसने लगवाया? तूने? अंगूठा तो
और जान गवा था ना तो मारी भूती हो और सही बताए भाई तो मारी और ना बताए भाई तो मारी साला बता दे आए हो बचत हो जाए बता भैया हो तो मेरे पप्पा का अंगूठा हमें लगवावा है साले कुत्ते की औला ऐसा भैया मजबूरी के नाम महात्मा गांधी कैसे मजबूरी हर इंसान के पास मजबूरी लिए बैठा है यहाँ है कोई नहीं कोई कोई कोनो मजबूरी है तुम्हारे बाप का अंगूठा नहीं लगवा पहले भैया अंगूठा अपन हम खुदे लगावा वो कैसे हमारा नाम हरामी लाल नहीं है हमारा नाम सीधा साधा हरी लाल है हम 2 बीघा हमारे खेत है भैया और 2 बीघा खेत हमारी के खेते किनारे रहा हमसे कहीं हरीलाल हो हमका का आया है कहीं हमारे खेत के मिलाप मा तुम्हारे खेत क्यों हमका दे दियो हमका तुमका दे दे तो हमारे लड़का का कहीं है कहीं सारी हो तुम हमारे न करो हमारे न खाओ और राजित देहो तो लिया ना राजित देहो तो लिया तो हमका जबर में नहीं ले ली स्टाम्प पेपर पर हम अंगूठा लगवा लीस तब ले लीस अपने खे गुलामी करावे लाग और हमका बना लीस मुनीम जितने गाँव में गरीब में नहीं है सबका खेती छीन लीस अयू ठाकुर ना ओरिजिनल तो सर सूदा है ये आज जात के गुड़िया और तेरी क्या जात है रे हम आज जात के अनपढ़िया और गुड़िया बेड़िया कबो बना नहीं है यू सर सूद हम हर जन तो ये तेरी मजबूरी है इस हवेली का मालिक बनना चाहेगा तू अरे भैया हवेली का मालिक बना दो मेरी बरसों की तमन्ना पूरी हो जाएगी फिर मेरी एक शर्त है एक नहीं 2-4 शर्त मानने के लिए तैयार इस कुत्ते का वो सारा पिल्ला कहाँ है एक लौंडा बताओ एक लौंडा जूता निकाल रहे हैं जूता न जस जस आओ वैसन बैठो खोपड़ी में सवार हो सूद हो के हर जन के खोपड़ी में ओकरा करो एक ही लौंडा गप है सरदार ये जूता दिखा रहा है ये बुआ महतर जरा तुम अब सम का देख लो मौत खोपड़ी खड़ी है जूता निकाल रहा था अठलिया का जूट है कहते हो बताओ एक लौंडा का है ननिया लगा है कितने दिन हो गए 15 दिन के लिए कह के गए हैं 12 दिन बीत गए हैं 3 दिन बाकी हैं आने में जब इसका बेटा आएगा तो उसकी खबर तो मुझे देगा और हवेली का मालिक बना दियो इस हवेली का मालिक मैं तुझे बना दूंगा तो समझ लियो खबर हम पहुंचाएंगे हवेली मालिक पक्का है मैं तुझे बनाऊंगा इस हवेली का मालिक तो समझ लो कि आज से एक साले का जिंदा छोड़ो ना और जिंदा रहे तो हम मरे धरे करम सिंह चकिया सर जिंदगी का आखिरी दिन आया है जाकर मेरे बापू से मांग लेगा क्योंकि ये सूरज तुझे माफ करने वाला नहीं सारे हरामी कुत्ते गए से रहो बहुत तपत रहे हो चलो तुम कहा मरे के बाद में अब इसकी सारी जिम्मेदारी तेरी है या जिम्मेदारी हमारी है ये केस हम संभाल लेंगे मगर हवेली के मालिक बोलो मैं तुझे जरूर बना दूंगा समझ लियो वह से हम तुम्हारे मनाई यार क्या है रे भाई आपके साथ रहेंगे मान लो आप कौन है तू अरे आपके साथी आपके संगति आदमी हम समझ गए तुम जान गए हो कि बता रहा है ना वह बात ना समझो भैया वह बात नहीं कहा जिससे समूल्य साथी वैसे हम तुम्हारे साथी यार तो मैंने मने ही
छोड़ा है, किसका जब बेटा आएगा तो उसकी खबर देगा। कस दिया बात है बात में यार, अगर चे उल्टी सीधी बातें करेगा ना तो इसी जमींदार के साथ में तुझे भी सुला दूंगा। अगर तुम मारो तो समझ लो गाभिन गाय मारियो। तो हमका कहे हो हवेली के मालिक नहीं हो ना जब तक तुम हमका छुई हो ना। चलो बाबा अब तू इसे संभाल। यार जा यार। ये तो यहाँ के जमींदार ठाकुर धर्म सिंह की लाश। हाँ यार साहब, लाश को देखने से ऐसा लगता है ये सर किसी ने बड़ी बेरहमी के साथ इनका मर्डर किया है। हाँ यह बात तो है सर। और इनके मर्डर की रिपोर्ट अगर एसपी साहब तक पहुंची तो एसपी साहब हम लोगों का जीना दुश्वार कर देंगे। बिल्कुल कर देंगे। ठाकुर साहब का कातिल कौन है, ठाकुर साहब का कातिल कौन है पता लगाओ, पकड़ो उसको, सजा दिलवाओ। सुनो, एसपी साहब अगर हमारे स्टाफ को तलब करते हैं और कोई भी प्रश्न करते हैं कि ठाकुर के साथ में कैसे क्या हुआ है तो सब लोग एक ही बात बोलना, ठाकुर का मर्डर नहीं हुआ है, ठाकुर का मर्डर नहीं हुआ, ठाकुर ने आत्महत्या किया, ठाकुर ने अपने आप किया। बस तुम लोगों को इतना कहना है एसपी साहब से, बाकी मैं सब कुछ संभालूंगा। ठाकुर आम के हत्या की है तो कौन वे आम के हत्या ने कटहर के ठाकुर के मन ही आन हम तुम चाहे जो भी हो ठाकुर के समुल्ला काम हम करी थे। एक बात कान खोलकर सुन, किसी के सामने अगर तुमने जुबान खोल दिया कि ठाकुर का मर्डर हुआ है तो ये मरे नहीं है भाई, ये मरे नहीं है भाई, बकवास कर रहा है तो महीन का तो मर्डर नहीं भाव तो ये मरे नहीं है। आत्महत्या क्या इन्होंने आम का हत्या कहा कहीं है, ऐसा है चोतिया ना बनाओ खाली पढ़े तो नहीं है ना, समझो कि हम यहाँ दबेबे क्या केस, मैं इस केस को दबाऊं या उभारूं? तू कौन होता मुझसे पूछने वाला, कौन तू? सुना था हमको ऐबे न करी, ठाकुर के मन ही ठाकुर के पहुंच के बारे में तुमका पता नहीं है भाई। क्या नहीं पता है? ठाकुर के पहुंच कहां तक है? कहां तक है? यहां से लेके हुआ तक। कहां तक? नीचे से ऊपर तक। तुम हिया दबाई हो, तुम हिया दबाई हो, हम बाराबंकी पहुंचब। बाराबंकी जाकर क्या करेगा, क्या करेगा मेरा? ऊपर ऊपर करब शिकायत करेगा हमारी, ऊपर ऊपर कार्रवाई करब तुम्हार हम। क्या भोसड़ी वाले कार्रवाई करो जाकर? देखे मतलब तुम बाराबंकी खरीदे हो तो वही हम आगे फिर बढ़िया। आप कहाँ जाएगा? जहन्नुम में जाएगा? सीधा ही दिल्ली पहुंचा। वहां जाकर क्या करेगा? दिल्ली पहुंच गए तो हमारी निगाम तुम चारों आदमी खटक रहे हो। क्या कर लेगा? हमारी निगाम खटकते हो। क्या करेगा बे? दिल्ली पहुंचन तो हम चारों जने चाट लिया। क्या नौकरी? अरे दो टके का ठाकुर का नौकर हम लोग को धमकी दे रहा, क्या देख रहे हो? मारो इसके कान का पट्टा खुले, आंख पे थप्पड़ मारो इसके, आंख खोला के मार है, आंख पे थप्पड़ क्यों नहीं मारा हौलदार? साला हम लोग की नौकरी चाटेगा। जितनी जल्दी हो सके ठाकुर की लाश उठाओ, थाने पर ले चलो, कार्रवाई पूरी करो, पंचनामा लिखवाओ, उसके बाद में लाश को रख करके थाने के बाहर जलवा दो। जी सर। एसपी साहब को जवाब मैं दूंगा क्योंकि यह मैटर हमारे हलके का है। यस सर। जय मां भवानी बाबा। जय मां भवानी। सूरज कहाँ है? आ रहे हैं।